हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा जहां मिलती है आपको सभी शोज की लेटेस्ट अपडेट। आज की अनुपमा 22 मई 2023 के एपिसोड की शुरुआत अनुज के नींद से जागने और उसी कमरे को देखकर कुछ पलों के लिए खाली होने से होती है, जिसमें अनुपमा रोज सुबह उनका अभिवादन किया करती थी। अनुज उन पलों को याद करता है जो उसने और अनुपमा ने उस कमरे में एक साथ बिताए थे, जब माया कमरे में प्रवेश करती है और अनुज को गुड मॉर्निंग बोलती है, जिससे अनुज का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। माया अनुज से पूछती है कि क्या वह ठीक से सोया था, जबकि अनुज जलन के कारण अपना जबड़ा भींचता है। अनुज माया के सवालों का जवाब नहीं देता है और यह कहकर कमरे से निकल जाता है कि उसे अनु को कपड़े पहनाकर तैयार करना है, इसलिए उसे जाने की जरूरत है। माया हल्के से मुस्कुराती है और कहती है कि जल्द ही वह अनुज के कमरे में भी प्रवेश करेगी और उसके लिए बिस्तर की व्यवस्था करेगी। इस बीच समर डिंपल को वीडियो कॉल करता है और दोनों बिना कुछ बताए संगीत समारोह के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में बात करते हैं। डिंपल कहती है कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि अनुज और माया ने उनके माता पिता की जिम्मेदारी उठाई, जिससे समर के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। जैसा कि डिंपल समर से पूछती है कि वे अपने हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं, समर डिंपल को स्पष्ट जवाब नहीं देता है और इसके बारे में मजाक करता है, जो डिंपल को थोड़ा परेशान करता है। डिंपल समर से कहती है कि उसका कमरा दो लोगों के लिए काफी छोटा है, इसलिए उन्हें वनराज से उनके साथ कमरे बदलने के लिए कहना चाहिए और उसके बाद वे अपने नए कमरे के इंटीरियर को बदल सकते हैं। समर का कहना है कि वह अपने पिता को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि इससे उसकी कई यादें जुड़ी हुई हैं। डिंपल कहती है कि वह अनुज से हनीमून की व्यवस्था के लिए कह सकती है, लेकिन समर सख्ती से उस योजना के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह अनुज से एहसान नहीं लेना चाहता। समर का कहना है कि उसे डिंपल के आलीशान सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि उसे वनराज द्वारा दिए गए 10 लाख वापस करने हैं और अगर डिंपल को समर के फैसले पसंद नहीं है तो वह शादी पर पुनर्विचार कर सकती है। नृत्य अकादमी में अनुपमा नकुल के साथ नृत्य करती है, जिसका गुरु माँ विश्लेषण करती है और प्रदर्शन समाप्त होने के बाद टिप्पणी करती है। मालती देवी कहती है कि अनुपमा पहले से ज्यादा लचीली हो गई है और वह क्षमताओं में नकुल से भी आगे निकल गई है, जिससे नकुल को अच्छा नहीं लगता। हालांकि अनुपमा ये सुनकर चौंक जाती है कि उसे पोशाक की फिटिंग के लिए शाम को अकादमी आना है, जो संगीत समारोह के साथ टकरा रहा है। अनुपमा समय समय पर अकादमी पहुंचने के लिए सहमत हो जाती है और मालती देवी से बार बार अनुरोध करती है कि क्या वह अपने बेटे की शादी में आ सकती है और उसे आशीर्वाद दे सकती है। मालती देवी अनुपमा को कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है, जबकि नकुल अनुपमा को भ्रमित छोड़कर ऐसा ही करता है। अनुपमा भैरवी को घर जाने और थोड़ा आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे शाम के समारोह के लिए बाजार जाने और कुछ चीजें खरीदने की जरूरत है। बाद में अनुज भी बाजार में खरीदारी करने आता है, जबकि अनुपमा वहां पहले से मौजूद होती है। अनुपमा और अनुज एक दूसरे को कई बार कुछ सेकंड के लिए याद करते हैं और एक दूसरे से टकराने से पहले एक दूसरे की मौजूदगी से बेखबर रहते हैं। इस बीच अनुज और अनुपमा के समय पर घर न लौटने को लेकर माया और वनराज दोनों परेशान हो जाते हैं। अनुज अनुपमा को फिर से अमेरिका जाने की बधाई देता है और अनुपमा कहती है कि वह इस बार अमेरिका जरूर जाएगी। जैसा कि अनुपमा अनुज से पूछती है कि वह उसे पिछले दिन क्या बताना चाहता था, अनुज एक परस्पर विरोधी स्थिति में आ जाता है और कुछ भी नहीं कहने का फैसला करता है। अनुज अनुपमा को शाह के घर छोड़ने के लिए कहता है और अनुपमा का अपनी बाइक पर तब तक पीछा करता है जब तक अनुपमा अंदर नहीं जाती और उनके पीछे बैठ जाती है, जिसके बाद वे एक साथ निकल जाते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।